आपने मुझसे वेस्पर थ्योरी पढ़ा, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, पॉलरिटी पढ़ा, शेप पढ़ा, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री पढ़ा, ठीक है, और बॉन्ड पे पढ़ा, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। ये एक तरह से देखा जाए तो वीबीटी का एडवांस वर्जन था। तो लिमिटेशंस हम बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाँ ठीक है ना, तो इसके अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी कुछ लिमिटेशंस रखती थी, जैसे पहले लिमिटेशंस जो आपने पढ़ी, आपने मेरे से ड्रेगोज रूल पढ़ा, यानी हर जगह हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो दिस थ्योरी, सबसे पहले दिस थ्योरी नॉट एप्लीकेबल, ऑल कोवलेंट कंपाउंड हर जगह नहीं लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है पी एस थ्री, ए एस एच थ्री, एच टू एस, एच टू एस सी, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड से जिनकी स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छे से कमेंट नहीं कर रही थी। ये इसकी पहली लिमिटेशंस। दूसरी लिमिटेशंस, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमेंट तो करना चाहती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बता पा रही थी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी, ठीक है। इन मेनी केसेस दिस थ्योरी नॉट दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन एक्सप्लेन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमें वीबीटी की ही जरूरत पड़ती है कई जगह, तो ये बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही थी। थर्ड, कलर इंटेंसिटी यानी कलर ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कलर है तो वो बहुत अच्छे से नहीं बता रही। कलर ऑफ कंपाउंड प्रॉपरली नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, बाय दिस थ्योरी। और मैग्नेटिक मोमेंटम में ये कहती है, मैग्नेटिक मोमेंटम जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरा मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नेचर म्यू की वैल्यू क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं। म्यू की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट टू टू एन, आप कैसे लिखेंगे यहां पर, एन प्लस क्या होता है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2n+1, ठीक है। अगर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू निकालते हैं बोर मैग्नेट्रॉन में। चलिए ठीक है, एक मिनट याद करने दे। हाँ यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एन एन प्लस टू ये होता है हमारे पास, एन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। तो एन एन प्लस टू हमारे पास है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास रहता था मैग्नेटिक नेचर, और इन ओ टू बाय वी बाय अबाउ थ्योरी एन की वैल्यू क्या है, यहां पर एन यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो। तो बाय अबाउ थ्योरी एन की वैल्यू यहां पर क्या है, इन ओ टू जीरो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो, सारे पेयर्ड है। तो इट मींस ओ टू इज पैरा और डायरेक्ट
पैरा मैग्नेटिक, सॉरी डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक होगा क्योंकि जीरो है म्यू की वैल्यू, सही है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। बट प्रैक्टिकली इट इज ए पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो O2 अपने आप में पैरा मैग्नेटिक है प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब O2 पैरा मैग्नेटिक क्यों है ये इस थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता, यानी नेचर ऑफ O2 कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। तो कुल मिला के इतने सारे हमारे पास पॉइंट्स आ रहे थे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक नेचर, बहुत सारे, तो हमें लग गया फाइनल रिजल्ट हमारे लिए क्या रहा, एक ही रिजल्ट आता है, वी नीड मोर थ्योरी या वी नीड वन मोर थ्योरी। हमें एक और थ्योरी की जरूरत है। तो यही कहा बात है केमिस्ट्री वालों में कि हमेशा एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट देते रहते हैं, आप भी काम कीजिए हम भी कर रहे हैं, तो लिख लीजिए।